रियल फिजिक्स के अंतर्गत आज लेसन 7 का एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे। तो देखिए उदाहरण 7.1 को पढ़िए ना, आपका उसको प्रचार किया, पर्सनली बात कोचिंग में नहीं किया जाता है, ये जान याद याद रख लेना। कहीं भी आप जाइए, ये सब प्रॉब्लम आप इसको देंगे या प्रॉब्लम आपको देगी, पीछे पढ़ाई नहीं, बात सही करें, नो पर्सनली ओनली फॉर ऐसी बात कही था दोस्त, कौन बात था तुम। चलिए एक विद्युत बल्ब है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट कहता है इसमें एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट, तभी भी के मानते ही मालूम हो गया इश्तिकार 220, ये या जब 220 भी कहता तो भी वोल्ट नहीं है, तभी के मान कितना 100 वाट, देखो ये डब्ल्यू का मतलब वाट, 100 वाट, तभी के मान 100, क्या कहते हैं मैं प्रतिरोध पूछा था, ये नंबर बल्ब का प्रतिरोध, आर पूछा था, आ शिखर वोल्ट था भी 0, पढ़ गया ना आप लोग शिखर वोल्ट को, आ बल्ब प्रभावित होने धारा आई आर एम एस का मान पूछ रहा, समझे हो क्या कब कहे हैं, जहाँ वोल्ट का ही तहाँ का लिखबो भी बराबर है ना, भी बराबर कितना दिया सवाल में 220 वोल्ट है ना, भी बराबर 220, आप डबल पी बराबर 100 वाट, ए वाट एक वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है बाबू जी, क्या का पूछ रहा है, ए नंबर में देखो आर पूछ रहा है, बी नंबर में देखो बी 0 पूछ रहा है, सी नंबर में देखो आई आर एम एस का मान पूछ रहा है, हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, तो पहला तो ऐसे ही से लग जाएगा ना, ये वाला हल कर लो यहाँ से, पढ़ेंगे पी पी बराबर वी स्क्वायर बटा मार, कभी पढ़े थे आप इसको, होता भी है लेकिन आर निकालना है, ये कहाँ से आया मालूम है, बता देगा इसको कहाँ से आया, तो सूत्र था है ना, आप पढ़े हैं पी बराबर, सुनो ध्यान से, पी बराबर होता है डब्लू बाई टी, याद है आपको, कुछ याद आ रहा, और फिर आप डब्लू के जगह पर वी आई टी लिख सकते हैं, याद है आपको, वी आई टी लिख सकते हैं डब्लू के जगह पर, कहाँ से आया डब्लू की जगह वी आई टी, कहाँ से, यहाँ से वी बराबर डब्लू बाई क्यू पढ़े हो ना, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा वी गुणा क्यू, फिर भी वही लिखो क्यू के जगह पर क्या लिख लो आई टी, ठीक है, अब आई टी से टी कैंसिल, तो पी बराबर खाली होगा भी आई, आपको नहीं चाहिए आई हटाना है ना, तो उनके लिए पढ़े हो ना, आर बराबर भी बटा क्या होता है आई, तो आई ऊपर कर दोगे तो भी बटा क्या आ जाएगा आर, फिर भी बटा लिख ला आर, अभी से भी गुना करा भी इसका सूत्र याद कर लेता, ये फेमस सूत्र है पी बराबर भी स्क्वायर बटा, चलो ले निकाले बता रहे आर निकलना है ना, प्रतिरोध निकलना है ना, देखिए आपका तो आर बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बटा पी, भी स्क्वायर बटा क्या हो गया पी, अब रहा तो भी कमा 220 में 220 डबल स्क्वायर डबल लिखेंगे, अब पी का मान कितना हो गया 100, आई एक से एक ऐसे है, अब 22 में 22 गुणा करो 484, ओम ओम नमः शिवाय आंसर आ गया 484, कोई दिक्कत है पूछ लो, सिंपल सवाल था, यह समझ आया बताओ, समझी, चलो बी नंबर आ जाओ यार, बी आर एम एस बराबर भी 0 बटा करनी में 2, लेकिन आपको भी 0 निकलना है, करनी में 2 बराबर भी आर एम एस, जो भी सवाल में दिया होता है हमेशा भी आर एम एस का ही मान दिया होता है, करनी में 2 लिख लो लिख लो लिख लो, बी आर एम एस का मान लिख लो कितना 220, हाँ तो 220 करनी में 2 बोल्ट आंसर आ गया, हो गया बात खत्म हो गई, चलो सी नंबर आ जाओ, सी नंबर आई आर एम एस पूछ रहा है ना, यहाँ तो पढ़े तो आई आर एम एस बराबर भी बट्टा भी बट्टा अभी का मान तो दिया 220 और का मान 484, तो 22 बाईसवा 484, तो 10/22 भाग दे दो, एक बार कर लो 2 से 5/11 भाग दे दो, भाग दे दो 10/10 50 आई 11/44 60 11/55 आते हैं पियर आंसर है 0.45, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, समझी, अरे पूछो कुछ ना, समझ गया, हाँ वाह क्या बात है, इसलिए कहते हैं भगवान के भक्त बनोगे तो तुम्हारे हर एक कार्य समय से पूरा होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, पास चले हैं दू के पास, अरे यार सवाल, अरे
दूसरा का सवाल ही बा 25.0 मिली हेनरी ए बाबो मिली एम का मतलब मिली है एच का मतलब तब मिली का हटाओ के आटी ठीक बा आ 220 वोल्ट दिला बाबो तो भी कमान 220 वोल्ट आ एफ कमान दे दिला कितना 50 आ प्रेरकीय प्रतिघात पूछा था प्रेरकीय मतलब प्रेरणा प्रतिघात एक्स एल कमान पूछ रहा है आ आई आर एम एस कमान पूछा था निकल तो गई लिया पहले कहा कहते वो लिखे चल दे फटाफट ए बाबो हेनरी कहते मात्र का पहले कत्र के लो तो यल कमान दे 25.0 एम एच एम एच तो समझना एम को क्या कहते हैं आई एच को अमेली हटा दो बहुत तेज अरे बहुत तेज लगा तो जाओ तो करके आओ हाँ इतना मैंने जाने अभी का मान कितना है हाँ आवृत्ति को यह सब प्रदर्शित होता है कितना दिया है आ क्या कहता अरे ठीक है चलिए भाई ये है सवाल अब हमने के लगा देवा क्या क्या लगाई बोलोगे हाई एक्स एल बराबर का होला यार ओमेगा एल होला हमारे डायरेक्टली फिर हो गए अरे तो भैया ना होगा सब क्यों कहा 2πfL हो जाएगा आपका हाई टू रख पाई कमान 3.0 यल कमान यल कमान है मिली है तो अब पूरा गुणा करके हल करना जानते ही होगे आ जाएगा आपके पास कितना 7.85 है का मात्र का ओम होला ना ओम लिखा अब आपको कहाँ निकालना आई बाबा पढ़ नहीं मार लोगी भी बाटा आर लेकिन आर तो दला नहीं क्या एक सेल खा जाएगी अभी कमान कितना दिया 220 आई क्या है तो भाई यार अभी एक सेल कमान है क्या है बात 7.85 आई 220 हो गया 16 के बाद 2 को 0 बढ़ा था आई 7.85 हो गई अब भाग दिया जा आई 22 7 आई तो पहले तो 2 बार में जाई मैंने को हल करब तो 28 एम्पियर आई 28 एम्पियर आ ठीक नोट कर बड़ा मजेदार सवाल है बाबू रिश्तेदार बाबू किताब नहीं है का बेच के खा गए ना हम क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा दिया समझाते हैं कह रहा है कि एक संधारित्र लीजिए और इसके साथ एक लैंप श्रेणी क्रम में जुड़ी देखो ये क्वेश्चन दिया है एक